अरक निकाल के इसको बनाया गया है, तो ये मात्र 20 रुपए की शीशी होती है जो जीवन भर चलती है। इंसान की उम्र है वो भी खत्म हो जाएगी, इसकी उम्र खत्म नहीं होगी कभी। इसे डालने के बाद जिंक पोटास कैल्शियम कुछ भी नहीं डालना है आपको। यार ये चीज यूज कर लोगे ना आप एक बार खेत के अंदर, और इतने केंचुए आ जाएंगे आप देखो उधर आके खुद बनाने लग जाओगे। अगर आपको केंचुए दे इतने केंचुए हैं आप उठी में नहीं ले सकते मिट्टी को, इतने केंचुए मिलेंगे आपको जमीन, जब जमीन के अंदर केंचुए आ जाएंगे तो पैदा अपने आप ही होगी। हर पानी के अंदर ये 200 लीटर में 2 किलो गुड़ डलता है, कुछ आपसे ले नहीं रहे, 60 रुपए का गुड़ आता है, डाल दिया तैयार हो गया। एक एकड़ में आप लाखों लीटर पानी बहाते हो और ये 200 लीटर पानी तबाही मचा देता है एकड़ के अंदर। डाल कर देखो एक बार पता चल गया, 200 एकड़ के अंदर तबाही मचा देता है, ये इतना जबरदस्त काम करता है। इसके सामने आप बाजार से कोई पेस्टिसाइड लाओगे ना उसकी भी जरूरत नहीं है। काई फसल में घेरो दिया, कुछ भी कहीं भी डाल दो में क्या किया, बस कुछ ही को नहीं वो डालना हुआ, बाकी जो कुछ भी डालना खाई लेना। देखो खेत के अंदर ये चीज लगा रहे, ये देखो जी इनकी धान खड़ी है, औरों की धान देख लो, इसके अंदर नीम की निबोरी है, ये नीम के पत्ते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। हमने 5 लीटर इसको लिया, किसी भी चीज को गलाना है तो ये ले लो। अब ये धान कटेंगे, इसका स्प्रे कर दो 200 लीटर एक एकड़ में, जो इसकी जड़ है ना उसको खाद बना देगी ये। स्प्रे नहीं कर सकते, पानी के साथ दे दो खाद बना देगी उसको। आप ये नहीं कहोगे कि पहले इसमें धान भी था, जलाने की जरूरत ना फिर आप है, जलाने की दवाई लाने की 400-500-700 रुपए की लाओ, उसकी जरूरत नहीं है। ये नीम है डालने की, बिल्कुल भी इसमें नीम की नहीं बोली है। इस धान में ये सबसे बड़ा कारण यही है कि ये डला हुआ है, ये और ये दोनों, ये इतना ही डालते हैं हम एक लीटर एक टंकी में, 16 लीटर की जो टंकी होती है यही डलता है उसके अंदर, इसकी पावर इतनी ज्यादा है। और ये नीम की नहीं हो रही है, सभी के घर में। अब बताओ आप इतना भी नहीं कर सकते, इनकी थोड़ी सी मेहनत लगी बनाने के लिए, कुछ भी नहीं है ये रखा मटका, बढ़िया फसल हो, 6 महीने से ज्यादा हो गए इस मटके को, कम हो जाएगा इसमें से लेके, इसमें 2 डिब्बा और पानी डाल दो, पत्ते डाल दो नेबोरी के, आकोटा के पत्ते डाल दो, धतूरा डाल दो, गांजा डाल दो, जो पशु नहीं खाते वो डाल दो इसमें, उसको ये अपने आप गला देगा। और इतना लो और स्प्रे कर दो, कोई रोग आने की जरूरत ही नहीं है। ये होता है जैविक, इसमें आप बाहर से नहीं ला सकते कुछ भी। इसमें मिक्सर किस किस का है? इसमें वेज डी कम्पोजर का मिश्रण है, और इसमें हमने 2 किलो गुड़ और बाकी ये पूरा पानी है। जितना भी हमें पानी लेना है 200 लीटर के हिसाब से, 1 केजी में 10 ग्राम गुड़ डलता है, तो 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ हो गया। अब जितना भी आपको बनाना है बड़ा, आपके पास ज्यादा एकड़ जमीन है, कितना भी बड़ा बना लो, पक्की कुंडी बना लो, ये नहीं है, ये तो इनके पास है तो इन्होंने बना लिया, पहले ड्रम से काम चलाया था, अब ये बड़ा बना दिया, क्योंकि इन्हें ज्यादा डालना है, इन्हें बेनिफिट दिखने लगा तो ये अपने आप ही ज्यादा डाल रहे हैं। अब देखो ना आपके सामने धान है, कोई इसमें कुछ नहीं है, आप ये सोच रहे हो पता नहीं क्या डाल दिया इन्होंने, देख लो आप केंचुए देखो आप।